हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का वोलकनो आई एस के इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे गवर्नमेंट के जो सिस्टम है वर्किंग सिस्टम है उसके अंदर में गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कमेटी हैं वो बनाई जाती हैं उन्हीं के अंदर एक कमेटी है कैबिनेट कमेटीज़ जो मैक्सिममली आपको जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स आपको मैक्सिमम इनके जो मेंबर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे इन कैबिनेट कमेटीज़ का ये बेसिकली गवर्नमेंट को जो अपना कंडक्ट और बिजनेस है उसके अंदर में हेल्प करती हैं ये कमेटी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कैबिनेट वर्ड की अगर हम बात करें इसके अंदर जो कैबिनेट वर्ड है कैबिनेट वर्ड वॉज नॉट ओरिजिनल इन द फॉर्म ऑफ दर कॉन्स्टिट्यूशन डेट कॉन्स्टिट्यूशन डेट वॉज अडोप्टेड ऑन द ट्वेंटी नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन तो उस समय में नहीं था क्यों नहीं था अब ये और बाद में क्यों एड किया गया जो कैबिनेट वर्ड है उसकी बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर जो इंटरनल इमरजेंसी है वो सेवेंटी फाइव के टाइम में डिक्लेयर की गई और उस समय एक बात निकल के आई कि उस समय हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विदाउट कंसल्टिंग विद द कैबिनेट कैबिनेट से बिना कंसल्ट किए ही जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर करवा दी थी उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे फ़खरुद्दीन अली अहमद तो उनके द्वारा जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर करवा दी गई थी तो आफ्टर जब इमरजेंसी का जब एंड हुआ 1978 के समय में तो उसके बाद में यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया फोर्टी से फोर्टी फ़ोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो नाइनटीन सेवेंटी एट के समय आया था तो उसके थ्रू यहाँ पे जो कैबिनेट वर्ड है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के अंदर में जो आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू है अबाउट द नेशनल इमरजेंसी तो उसी आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के अंदर जो कैबिनेट वर्ड है वो पहली बार इंसर्ट किया गया थ्रू द फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो कैबिनेट अगर ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैबिनेट वर्ड क्या ओरिजिनली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन था तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा ओरिजिनली नहीं था लेटर फेज में ये ऐड किया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्योंकि अगर इमरजेंसी अगर आपको डिक्लेयर करनी है तो कैबिनेट के साथ में जो कंसल्टेशन है वो जरूरी है सिंगली अगर हम बात करें जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हैड करते हैं तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो हेड करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपना जो ओरिजिनली uh, खुद का ही डिसीजन लें और उनके द्वारा ये बेसिकली जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर करवाएं तो यहाँ कैबिनेट की जो कंसल्टेशन है वो ज़रूरी है आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू के अंदर कैबिनेट वर्ड को मेंशन किया गया है अब अगर हम बात करें कैबिनेट कमेटीज़ की बेसिकली स्टूडेंट्स ये कमेटीज वो सिस्टम है जो हमारे गवर्नमेंट का जो कंडक्ट और बिजनेस है उसके अंदर गवर्नमेंट को हेल्प करने से रिलेटेड ऐसी जो कमेटी हैं वो क्रिएट की जाती हैं अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती हैं एक डिफरेंट टाइप की और कमेटी होती हैं पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली जो पार्लियामेंट का जो वर्क सिस्टम है उससे रिलेटेड होती हैं कैबिनेट कमेटी आपको जो डिफरेंट डाइवर्स सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ स्पेशल जो फीचर्स हैं कैबिनेट कमेटी के तो बेसिकली कैबिनेट कमेटी स्टूडेंट्स जो होती हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और जैसे ही जो डिमांड है वो इनका यहाँ पे इंक्रीज होती है उसके साथ में ही कैबिनेट कमेटी यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं स्टूडेंट्स १९६२ का जो वॉर था हमारा चाइना के साथ में सिनो इंडिया वॉर जो हुआ था १९६२ का तो उस समय में हमको देखने को मिलता है कैबिनेट कमेटी ऑन इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई थी उस समय में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी तो जैसे ही समय की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं वो क्रिएट की जाती हैं तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मेंशन है कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं मेंशन है ये बेसिकली रूल ऑफ बिजनेस के अंदर में इनका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट्स यहाँ बेसिकली दो टाइप की कैबिनेट कमेटी होती हैं कुछ स्टैंडिंग होती हैं कुछ एड होक नेचर की होती हैं मींस कुछ परमानेंट होती हैं कुछ टेम्परेरी नेचर के लिए या डिमांड ऑफ टाइम को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ पे उनको बनाया जाता है और जैसे ही टास्क वहाँ पे कंप्लीट होता है उनको यहाँ पे डिस्पेंड कर दिया जाता है उनको यहाँ पे एग्जिस्टेंस उनका खत्म कर दिया जाता है इस मैक्सिममली जो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी हैं वो सेटअप की जाती हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ही जो लीडरशिप है उन्हीं के द्वारा यहाँ पे इनके द्वारा इनको इस्टेबलिश किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तो कैबिनेट कमेटी एक तो इमरजेंसी के ऊपर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के ऊपर में इस्टेब्लिश होती हैं दूसरा हमको देखने को मिला टू टाइप की होती हैं एडोक हैं एंड स्टैंडिंग है परमानेंट एंड टेम्परेरी इसके अलावा हमको देखने को मिला सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सेटअप किया जाता है डिमांड के अकॉर्डिंग इनका जो नॉमल क्लेचर है जो इनका कंपोजिशन है वो सबका सब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया जाता है स्टूडेंट टू के समय में टू थाउजेंड से जो 19 का समय है उस समय हमारे यहाँ पे सिक्स कैबिनेट कमेटी होती थी पर 2019 का जो जनरल इलेक्शन के बाद में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दो और कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की हैं एक कमेटी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और एक कमेटी है स्किल और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तो ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा सेटअप की जाती हैं इसके अलावा इनका जो नॉमन क्या है क्या उनका कंपोजिशन होगा ये समय समय पर वेरी करता है और ये भी डिसाइड किया जाता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टूडेंट्स अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप थ्री से लेकर एट के आसपास इनकी मेंबरशिप हमको देखने को मिलती है और दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर मैक्सिममली हमको देखने को मिलता है कि कैबिनेट मिनिस्टर ही इनके पार्ट होते हैं वो मिनिस्ट्री जो हायर होती हैं अपने पोस्ट के अंदर में और जिनको कम्प्लीटली हेड किया जाता है जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो मेन मिनिस्टर होते हैं उस मिनिस्ट्री के तो मैक्सिममली जो आपको देखने को मिलेगा कैबिनेट मिनिस्टर ही इनके पार्ट होंगे इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलाता है कि जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको बेसिकली यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है वो भी इसके मेम्बर हो सकते हैं अगर डिमांड है अगर समय की डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग उनको भी ऐड किया जा सकता है इसके अंदर में कैबिनेट कमेटी

उन सबको यहाँ पे उस कमेटी को बेसिकली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं ऐड किया जाता एक है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन कि मिनिस्टर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको कौन सा बंगला अलॉट होगा कौन कौन सा उनका अकोमोडेशन होगा वो कमेटी यहाँ पे बेसिकली होम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है बट मैक्सिमम कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती हैं क्योंकि बिकॉज आपको भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कैबिनेट है उसका सबसे हेड के रूप में वर्क करते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के अंदर में इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया जाता है कि जो कैबिनेट के जो डिसीजनस हैं वो उनको बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं इश्यूज़ को यहाँ पे रिजोल्व करने में हेल्प करती हैं बट कैबिनेट कमेटी के द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया गया है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है कैबिनेट के द्वारा इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो वर्कलोड है उसको यहाँ पे रिलीज करने के लिए या उसको यहाँ पे बेसिकली रिड्यूस करने के लिए जो कैबिनेट कमेटी हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड इफ़ेक्टिव डेलीगेशन के रूप में यहाँ पे वर्क करती हैं इनके द्वारा डिस्कसन एंड डेलीब्रेशन है वो हमको देखने को मिलता है प्रेजेंटली अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटीज हैं तो टोटल एट कैबिनेट कमेटी प्रेजेंट समय में हैं जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है दैट इंक्लूड्स द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट कि गवर्नमेंट का किस तरीके का जो बिज़नेस है वो पार्लियामेंट के अंदर रहेगा उसको डील करती हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जाती है अपॉइंटमेंट कमेटी है जो कैबिनेट की इसके द्वारा जो हायर पोस्ट हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं कहाँ पे किसको अपॉइंट करना है कौन सा यहाँ पे जो कमीशन है उसको किसके द्वारा हेड करना है ये अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उनको डील किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर जो है बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने रॉन्ग बता दिया था कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर जिसको सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है पॉलिटिकल जितने भी है हैं इसके द्वारा लिए जाते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर जो वो कमेटी है जिसके द्वारा यहाँ पे कंडक्ट ऑफ बिजनेस है जो गवर्नमेंट का किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करना है पार्लियामेंट के अंदर कब वहाँ का सेशन है जो ऑर्गेनाइज करवाना है कब प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे बेसिकली एड्रेस करना है तो कब कब सेशन होंगे कब कैसे मानसून सेशन को किस तरीके से डील करना है वो सब यहाँ पे आ, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा डील किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आफ होम अफेयर्स के द्वारा हेड की जाती है आपको पता होना चाहिए कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर के जो प्रेजेंटली जो हेड हैं जो चेयरमैन हैं वो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं या हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इसके हेड हैं इसके अलावा ये दो नई कमेटी हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2019 के समय में कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कमेटी हैं इन दोनों को यहाँ पे बेसिकली हमारा जो स्किल इंडिया का जो मिशन है या कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को लाने से रिलेटेड जो कमेटी हैं इन दोनों कमेटीज़ को 2019 के समय कॉन्स्टिट्यूट किया गया स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मेन इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करें कैबिनेट कमेटीज़ के तो पॉलिटिकल अफेयर जो कमेटी है इसके द्वारा यहाँ पे डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको डील किया जाता है जो पॉलिसी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा जो कंट्री कंट्री की जो डिमांड है इकोनॉमिक स्पेयर के अंदर उन सब के रिलेटेड जो डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है इस कमेटी के द्वारा इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसके द्वारा जो सेक्रेटरीट हैं जो पब्लिक एंटरप्राइज हैं बैंक हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब के अंदर जो अपॉइंटमेंट है उनको डील किया जाता है कि कौन कौन से जो पर्सन है उसको कहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा तो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट कमेटी है उसी के द्वारा यहाँ पर डील किया जाता है जो हायर अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको अगर हम बात करें कि पार्लियामेंट्री अफेयर जो कमेटी है इसके द्वारा जो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है वो कैसे कंडक्ट होगा कैसे वो प्रोग्रेस करेगा पार्लियामेंट के अंदर में उन उसको डील किया जाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के द्वारा स्टूडेंट्स जो फर्स्ट थ्री कमेटी हैं बेसिकली यहाँ पे बात किया गया है इन कमेटीज़ की तो यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री कमेटी हैं ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती हैं होम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन है उसे हेड किया जाता है इसके अलावा जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है जिसके द्वारा डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स को डील किया जाता है उसको यहाँ पे सुपर कैबिनेट के रूप में डिस्क्राइब किया है तो स्टूडेंट्स ये हमारा कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड वीडियो था जिसके अंदर हमने कैबिनेट कमेटी की बात की जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ होती हैं हमारे डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को डील करने के लिए हमारे कंडक्ट और बिजनेस को डील करने के लिए जो कमेटीज़ हैं और गवर्नमेंट का यहाँ पर जो वर्क लोड है उसको रिड्यूस करती हैं और हेल्प करती हैं डेलीगेशन के रूप में तो स्टूडेंट्स ये कैबिनेट कमेटी के बारे में हमारा वीडियो था ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस से हम आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे तो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच